गाइस, अगर आप डीडी फ्रीडीज के ग्राहक हैं और अगर आपका स्टार उत्सव नहीं चल रहा है तो यह वीडियो आप सभी के लिए है। आज हम यही बात करेंगे कि आज की डेट में डीडी फ्रीडीज के प्लेटफॉर्म पर स्टार उत्सव को कैसे ऐड करें। देखिए, बहुत से लोग परेशान हैं कि स्टार उत्सव उनका बंद हो चुका है, लेकिन हम आपको चलाकर दिखाएंगे कि किस प्रकार आपको चलाना है। सबसे पहले तो आपको मेन्यू बटन प्रेस करके सभी प्रोग्राम को डिलीट कर देना है। हम आपको दिखा भी देते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार डिलीट करना है। डिलीट ऑल प्रोग्राम करके इस प्रकार आपके नो टीवी प्रोग्राम आ जाएंगे। तो नो टीवी प्रोग्राम के बाद आपको प्रोग्राम सेटअप में जाना है। प्रोग्राम सेटअप में ऐड न्यू प्रोग्राम पर ओके कर देना है। इस प्रकार कर लेने के बाद यहाँ पर सबसे पहले LNB फ्रीक्वेंसी 5150 रख लेनी है, जिस प्रकार आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रही है। ट्रांस फ्रीक्वेंसी में आपको लिख लेना है 3730। हम यहाँ पर लिख लेते हैं 03730। तो ऐसा लिख लेने के बाद सबसे पहले आपको सिंबल रेट चेंज कर देना है। यहाँ पर आपको सिंबल रेट रख लेना है 2999999, और इस प्रकार करने के बाद पोलैरिटी आप वी में कर दीजिए। जैसे ही आपके सिग्नल आ जाएंगे तो आपको बस ओके का बटन प्रेस करना है और आपका स्टार उत्सव आ जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर स्टार उत्सव आता है कि नहीं आता। चलिए अब ओके का बटन प्रेस करके हम देखते हैं स्टार उत्सव कहाँ पर है। आप देख सकते हैं स्टार उत्सव वहीं पर है जहाँ पर आपको पहले मिल रहा था। अभी भी आपका वही चैनल चल रहा है स्टार उत्सव। इस प्रकार आप सेटिंग करके चैनल को ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके सिग्नल होने जरूरी है, तभी आपका यह स्टार उत्सव चल पाएगा। इसकी फ्रिक्वेंसी आप फिर से देख लीजिए, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी दी गई है। डीडी फ्रीडीज पर जो भी यूजर स्टार उत्सव देखना चाहते हैं तो उनको देख सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इस प्रकार की सभी अपडेट मिलती रहे।